अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं वो आ चुकी हैं, तो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, और जो कोई भी हज पर जाना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि न्यू अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें, तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो यहाँ देखें, मैं आ गई हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो हज 2024 सारा कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर कल जब मैंने क्लिक किया था तो गाइडलाइंस शो नहीं हो रही थी, पर अभी यहाँ पर जो है गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, हज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को ये गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, और जो है हज एप्लीकेशन कल से ही, कल की डेट ही बताई है कि कल से हज एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, और ये एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर तक रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको ये सारी गाइडलाइंस में पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें बहुत थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो मैंने जब हज, ये जो हज पॉलिसी है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वही सारी कुछ चीज़ें यहाँ हैं, बट कुछ मेजर चेंजेस ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। पहली बात तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि आपकी पासपोर्ट की लास्ट डेट वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। जनवरी 31 जनवरी 2025 तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो गाइडलाइंस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हज पॉलिसी में जो चीज़ें थी वो इसमें बहुत सारी वही पेस्ट, कॉपी पेस्ट हुई हैं, पर थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर चेंजेस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये कि आपके पासपोर्ट की डेट जो कि है 31 जनवरी 2025 तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर आ जाता है, सारा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने हज पॉलिसी के बारे में बताया था, वहीं पर सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो आपको यहां पर कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबमिट करनी होंगी, मतलब कौन सी चीज़ें चाहेंगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो वो यहाँ पर बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे। पासपोर्ट चाहिए होगा, फिर बैंक अकाउंट। पासपोर्ट तो वही, हाँ, वैलिडिटी डेट आप देख लें उसकी, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट चाहिए। मशीन रीडेबल वैलिड इंटरनेशनल इंडियन पासपोर्ट चाहिए। तो फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सभी कवर में जितने लोग हैं सभी का होना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कवर हेड का होता है तो काफ़ी है। तो याद रखें, कवर हेड, अब जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे कवर हेड आप किसी जेंट्स को ही बनाएंगे, कोई औरत या लेडीज़ कोई भी कवर हेड नहीं होंगी, इन एक्सेप्ट लेडीज़ विदाउट महरम के केस में। अगर आप लेडीज़ विदाउट महरम के केस में जा रहे हैं तो वहाँ पर कवर हेड जो है लेडी ही रहेगी। मगर अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, जनरल में हो गया, या फिर 70+ में, तो वहाँ पर जो है कवर हेड आपका जो रहेगा वो जेंट्स ही रहना चाहिए, यानी बैंक की डिटेल आपको देनी है। और ये यहाँ पर इन्होंने एडवाइस भी किया हुआ है कि अगर आप दूसरे पिलग्रिम्स भी अगर चाहें तो कवर हेड के कवर के जो दूसरे मेंबर्स हैं अगर वो भी चाहें तो अपना बैंक की डिटेल जो है वो दे सकती है। फिर आपको मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है आपने वही देना है, जिसके थ्रू आप लोगों को मैसेजेस आते रहेंगे स्टेट हज कमेटी के थ्रू या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू। जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो आपका, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, अगर कोई इश्यू आता है या फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा आपको उन मैसेजेस के थ्रू जो है बता दिया जाएगा। इसलिए आपने अपना जो एक्टिव फ़ोन नंबर है वही यूज़ करना है। आधार नंबर इन्होंने कहा है नॉट मैंडेटरी, पर फिर भी अगर आपके पास है तो उसकी आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आधार नंबर दे दें। सबमिशन ऑफ पासपोर्ट है, ये आपको आगे बताऊँगी मैं, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है
आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, आपने यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, यहीं पर हज कमेटी की वेबसाइट पर ही एक यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं आप उनको देख सकती हो। तो आगे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी देख कर कि कहाँ पर है ये वीडियो लिंक, तो आप वहाँ से भी अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो वहाँ से आप उन क्लिप्स को देख सकती हो। तो आपका जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन मोड में नहीं लिया जाएगा, ये हार्ड कॉपी नहीं लेंगे, ये पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन ही आपने इसे अप्लाई करना है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर, या फिर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप हज सुविधा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लें, आप वहाँ से भी जो है एप्लीकेशन फिल कर सबमिट कर सकते हो। आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, देखिए आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं शो किए हुए हैं इनको अपलोड करना है। पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द मशीन रीडेबल वैलिड इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट, फिर आ जाता है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखें आप। कैंसल कॉपी ऑफ कैंसल चेक या फिर कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक ऑफ द पर्सन मेंशन एज अ कवर हेड, जो भी कवर हेड बनेगा आपके ग्रुप का उनका जो है कैंसल चेक या फिर कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक, ये भी आपने वहाँ पर अपलोड करनी है। फिर एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर एक खास ख्याल ये रखें, इफ़ द रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट इज सेम एज मेंशन इन हिज आर हर पासपोर्ट, ही आर शी माइट सबमिट ए कॉपी ऑफ द पासपोर्ट एज एन एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप पासपोर्ट की कॉपी ही दे सकते हो, अगर नहीं आपका मेंशन जो एड्रेस है आपके पासपोर्ट में और आप फिलहाल अगर कहीं और रह रहे हैं तो उस केस में आपने सेल्फ अटेस्टेड कर ये जो नीचे दी गई हैं इन चीज़ों को आपने अपलोड करना है, या तो आप कोई भी एक यहाँ से सेलेक्ट कर लें जो भी आपके पास है उसको आपने एज एड्रेस प्रूफ इसके जो है कॉपी मतलब जेरॉक्स ले लें, उस पर अपना सिग्नेचर कर आपने अपलोड करना है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल फॉर लास्ट 3 मंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इसमें से कोई भी टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, इन चारों में से लास्ट तीन महीने के जो भी बिल्स होंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा, या बेहतर है आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक या इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी, ये सी चीज़ें जो है सबमिट करा सकते हो एज एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर कवर साइज में चेंजेस हुए हैं, आपने एप्लीकेशन फिल करने से पहले खास ख्याल करना है इसका, क्योंकि लास्ट ईयर आपके ग्रुप में 4 अडल्ट और 2 इन्फेंट्स हो सकते थे, बट अभी इन्फेंट जो लास्ट ईयर जो है इन्फेंट मतलब 12 इयर्स एज से बिलो बच्चों का कैंसिल कर दिया गया था, पर अभी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम जो है 5 अडल्ट हो सकते हैं और 2 इन्फेंट हो सकते हैं ये जनरल कैटेगरी में। लेडीज़ विदाउट महरम की कैटेगरी में भी 5 लेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं या सिंगल लेडी भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लेडीज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द फैमिली मेम्बर एक्सीड्स 5, तो अगर आप 5 से ज़्यादा अगर फैमिली मेम्बर हो गए हो आप, तो उस केस में आपने 2 कवर सेपरेट कवर्स जो है वो मतलब सेपरेट अप्लीकेशन को फिल करना होगा, और 70+ एज कैटेगरी में 4 अप्लीकेंट्स होंगे, क्योंकि अब यहाँ 5 तो हो नहीं सकते, 4 अप्लीकेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर 2 मेंबर 70+ के हैं तो उनके लिए 2 कंपेनियन जो हैं उसमें जा सकते हैं, तो 70+ कैटेगरी के लिए 4 मेंबर होंगे कवर साइज में, तो और जनरल कैटेगरी में 5 अडल्ट होंगे और 2 इन्फेंट्स होंगे, और लेडीज़ विदाउट महरम की कैटेगरी में 5 लेडीज होंगी। तो ये था मेन, यहाँ पर आपने ख्याल करना है यहाँ पर कवर साइज पर, और ये भी ख्याल रखें, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर आपके जो भी इन्फेंट या बच्चा चाइल्ड जो भी आपके साथ जाएगा, अगर उसकी एज वापसी की लास्ट फ्लाइट तक अगर 2 इयर्स ही रहती है तो इस केस में वो इन्फेंट होगा, अगर 2 इयर्स से ज़्यादा हो जाती है, 1 दिन भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको वो जो है एडल्ट में कंसिडर करेंगे, इसका भी ख्याल रखें।
और जो 2 इयर्स अबव के जो बच्चों को आप अगर साथ लेकर जा रहे हैं तो उनको अडल्ट कंसिडर किया जाएगा, उनका फुल पेमेंट करना होगा। और अगर आप इन्फेंट को ले जा रहे हैं तो उस केस में आपका जो एयर फेयर होगा, फ्लाइट की टिकट जो होगी, वो 10% आपने देनी है। फिर आ जाता है कवर नंबर। इस बात का भी खास ख्याल रखें, कवर नंबर जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे, आपके पास कुछ लोगों का 24 घंटे में आ जाता है, कुछ लोगों का 5 दिन लगता है। मतलब जो भी एप्लीकेशन आप फिल कर कर सबमिट करोगे उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, चेक कर कर सारा कुछ अगर सही होता है तो तब आपको एक कवर नंबर जो है जनरेट होगा, जो आपने ले लेना है। और उस कवर नंबर के बिना आप हुर्रा के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए हुर्रा जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आप लोगों को कवर नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप एंड्रॉयड ऐप यूज़ करके या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर कर वहाँ से आपकी जो भी डिटेल है वो चेक कर सकते हो। और हाँ, जैसे कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फिल करना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर जब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को 300 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन की वो डिपॉजिट करानी होंगी। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर भी दिया गया है, तो उससे आप जो है सिलेक्शन होने के बाद 300 रुपीज़ आप लोगों को सबमिट कराने यानी डिपॉजिट कराने होंगे। फिर आ जाता है नॉमिनी। तो नॉमिनी आप आपकी फैमिली में से किसी का भी, फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स में से किसी का भी नाम आप वहाँ पर डाल सकते हो, उनका फ़ोन नंबर वगैरह जो कुछ भी वो इंफॉर्मेशन पूछेगा आपने देनी है। आपके साथ जो हज पर जा रहा है उनको आप नॉमिनी ना बनाएं, जो यहाँ पर है इंडिया में है, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो खासकर अगर जेंट्स रहते हैं तो उनका आप जो है स्पेशली जो जेंट्स रहेंगे उनको आप अपने नॉमिनी बनाएं, ताकि जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पर हज में तो उनके ज़रिए वो सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्म कर दी जाती हैं उनको। फिर यहाँ पर 2023 का ही एक्सपेंडिचर बताया हुआ है और उसी के हिसाब से जो है आगे आप अंदाज़ा लगाने के लिए कह रहे हैं कि आप इसी के हिसाब से जो है अमाउंट होने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मैसेज करें, कमेंट कर कर ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। अभी बहुत सारा कुछ है इन गाइडलाइंस में, तो अभी फिलहाल आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान से समझ लें और अप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना फिल करें। और हाँ, और 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो हो गया मेट्रो या बस सिलेक्शन और हो गया एक कुर्बानी। कुर्बानी का आप ना ही सेलेक्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको सही से पता नहीं चलता है कि आपकी कुर्बानी कब हुई है। फिर आपने कुर्बानी होने के बाद जो है हल्क वगैरह कराना होता है, फिर अहराम निकालना होता है, तो इसलिए आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन रहेगी। मतलब अभी हमारी कुर्बानी हुई है नहीं हुई है, तो इस तरह का हो सकता है। तो इसलिए आप जो है कुर्बानी आप खुद कराएं, जब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लोग मिल जाएंगे, तो उनके साथ आप जाकर या वहीं पर नियर बाई ही जो है होते हैं ज़बाखाने होते हैं, आप वहाँ पर जाकर जो है कुर्बानी करा सकते हो। और दूसरी बात हो गई मेट्रो या बस की। मतलब लास्ट ईयर ना बहुत सारे लोगों ने मेट्रो के हवाले से भी प्रॉब्लम्स शेयर की थी, बस के हवाले से भी की थी, तो अब हम एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकते कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। कुछ लोगों ने कहा था कि बसेस में भी बहुत तकलीफ हुई है, कुछ लोगों ने कहा हमें मेट्रो स्टेशन में बहुत देर देर तक रुकना पड़ता था, इतना फिर इतनी दूर चलकर भी जाना होता था स्टेशन तक, तो इस तरह से भी बताया गया है। तो अब यहाँ पर हम मैं तो क्लियरली नहीं बता सकती कि कौन सा सही रहेगा। कुछ लोगों ने वहाँ कहा, जो भी उनका फीडबैक था, कि बसेस अच्छी रही, कुछ लोगों ने कहा मेट्रो सही रहा, कुछ लोगों ने कहा मतलब जो जिस तरह से उन्हें तकलीफ हुई तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सजेशन दिया है। तो आप ये आप पर डिपेंड करता है आप बसेस सेलेक्ट करोगे या मेट्रो, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज मुझे बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।